हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आज की एक नई पिका कार्ड रीडिंग है और ये पिका कार्ड रीडिंग है हु विल आई मैरी, हु विल बी माय लाइफ पार्टनर। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, आपके लाइफ पार्टनर कौन बनने वाले हैं, उनकी पूरी डिटेल्स हम देखेंगे। मैंने इस तरह के हैंडमेड चिट्स बनाए हैं ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से मैसेज मिल सके। हम रीडिंग को देखेंगे नेम इनिशियल्स, आपके पार्टनर की जोड़ी एक साइन और पर्सनालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरी डिटेल्स में, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि नई वीडियो आते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। आज की रीडिंग के लिए मैंने 3 पाइल्स रेडी किए हैं, ठीक है ना। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, ठीक है। इसकी फोटो मैं आपको आगे दे दूंगी और टाइम स्टैम्प कमेंट सेक्शन में, ताकि आप आसानी से अपने टाइम पे क्लिक करके अपनी पाइल तक पहुंच सके, ठीक है। तो आप अच्छे से आँख को बंद कर ले, मेडिटेट कर ले 1 मिनट के लिए और उसके बाद आँख खोल के आसानी से जो आपको अट्रैक्ट करती हो उसे सेलेक्ट कर ले, वहीं पे आपके मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने वीडियो को, अपनी रीडिंग को पूरा देखें, ठीक है ना, बीच में छोड़ के ना जाए, क्योंकि ऐसे आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे और कुछ मैसेजेस नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपकी रीडिंग के एंड में कुछ गाइडेंस देती हूँ जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अपनी रीडिंग को पूरी देखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ग्रीन कलर की स्केच पेन चूज की है उनकी है ये रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, और क्योंकि इसे बहुत सारे लोग देखते हैं तो हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए है, ठीक है ना। और इस रीडिंग को आप बिल्कुल भी टेंशन के साथ ना देखिए, ठीक है ना। तो हम आपकी रीडिंग को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड शफल करूंगी और मैं बता दूं कि आप अगर मेल है तो भी आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं, आप अगर फीमेल है तो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हो आप आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये आप फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज के लिए भी देख सकते हैं। साथ ही साथ ये टाइम स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप कभी भी इसे देख रहे हैं तो तभी के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो चलिए पूरे पॉजिटिविटी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, आपके कार्ड्स को सफल करते हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ रखती हूँ। प्लीज एंजल्स गाइड मी एंड हेल्प मी एंड गिव मी प्रॉपर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, हु विल बी देयर लाइफ पार्टनर, हु विल दे मैरी। प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी एंजल्स, हु विल बी देयर लाइफ पार्टनर। Angels help me and guide me. One more time. चलिए अपने कार्ड्स लेते हैं हम। कार्ड्स को फ्लिप करते हैं। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, सेकंड इज किंग ऑफ कप्स, वाओ, एंड इट्स टू ऑफ कप्स, आई कांट बिलीव इसमें आपके सारे कप्स ही आए हैं। बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो चलिए आपकी रीडिंग को देखते हैं कैसे होंगे आपके लाइफ पार्टनर। तो पाइल 1 में अगर बात करूँ जोडियक साइन की, तो मुझे जोडियक साइन में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लग रहे हैं, वाटर साइन। आप दोनों मुझे लग रहे हैं कि वाटर साइन के ही हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपकी फर्स्ट कार्ड आई है एस ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रही है कि आपके लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिविटी आने वाली है। आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, ठीक है ना। आपके हो सकता है कि चारों तरफ जो लोग थे वो बहुत सक्सेसफुल हो रहे थे, उनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, उनको अच्छे लाइफ पार्टनर मिल गए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। आप बहुत सब्र से रहते थे, ठीक है ना, आप घबराते नहीं थे उनको देख के, ठीक है। आप हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे कि मुझे भी आगे लाइफ में ऐसा मिलेगा, ठीक है ना, मुझे भी आगे अच्छा ही मिलेगा, ऐसा आपको हमेशा लगता था। तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एंजल ने ये मैसेज दिया है कि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर होने वाली है, ठीक है ना। आप इमोशनली और किसी भी एस्पेक्ट में आप अपने आप को बहुत ही बेहतर महसूस करोगे, ठीक है। मैं ये आपके कार्ड्स में देख के बता रही हूँ, ठीक है ना। अगर मैं आपके पार्टनर की ये बात करूँ तो लग रहा है कि आपके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए नए लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए
आपके पुराने लाइफ पार्टनर, सॉरी पुराने पार्टनर ही होंगे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन उनके साथ आपकी नई बिगनिंग होगी, ठीक है ना, एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जो कि आपके लिए वो मैरिज तक जाके वो रिजल्ट आएगी, है ना। तो कुछ लोगों के लिए आपके लिए नए पार्टनर होंगे जो आप सिंगल हो, और जो रिलेशनशिप में हो तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ ही आपकी नई बिगनिंग होगी, ठीक है। हो सकता है आपका भी कोई किस तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो या किसी तरह का कंफ्यूजन चल रहा हो जिसको लेकर आप टेंशन में थे, तो आपके लिए वो ख़त्म हो जाएगी और उनके साथ आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी और आपकी जर्नी में मैरिज का जो पड़ाव होता है वो आएगा बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर जो है, कार्ड्स आई थिंक दिख रहे होंगे आपको, यस किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, भगवान में बहुत मानते होंगे, हो सकता है कि योगा मेडिटेशन करते हो, और अगर ऐसा नहीं तो फिर भी वो पूरे दिन में कोई ऐसा टाइम निकालते हो जब वो खाली बैठे अपने साथ अकेले बैठ के अपने बातों पर विचार करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को कैसे इंजॉय करते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है ना, और वो बहुत ज़्यादा दूसरों को गाइड करने वाले होंगे, और उनका जो लाइफ स्टाइल होगा वो बिल्कुल किंग की तरह होगा, रॉयल लाइफ जीना पसंद करते होंगे, ठीक है ना। ब्रांडेड कार्स, ब्रांडेड सभी कुछ उनके पास, ब्रांडेड क्लोथिंग, मतलब हाई फाई लाइफ स्टाइल उनका होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उनके फीचर्स, उनका जो बिल्ड होगा बॉडी, आप उनको देख के ही पहचान जाओगे, क्योंकि वो हाईली मैस्कुलिन होंगे, मतलब बोलते हैं ना पूरे एकदम मैस्कुलिन होंगे, उनका हाइट बॉडी बिल्ड बहुत स्ट्रांग होगा, देख के ही लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पूरे एनर्जी से भरे रहते होंगे। इन सब के बावजूद उनका नेचर अगर मैं बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, दयालु, इमोशनल तो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, और इतने ज़्यादा इमोशनल होंगे कि कभी कभी उनको हम कह सकते हैं कि ओवर इमोशनल हो जाते होंगे किसी किसी बात को लेके, ठीक है। और वो पूरे काइंडनेस से होंगे, और मुझे लग रहा है कि वो अपने करियर में, ठीक है, अथॉरिटेटिव फिगर पे होंगे, बहुत ज़्यादा उनको पावर होगा उनके पास, हो सकता है कोई सीईओ हो, मैनेजर हो, लीडर हो, पॉलिटिशियन हो, ठीक है। और उनका आप ट्रस्ट की बात करो तो आप उन पे पूरा का पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, ठीक है ना। और किसी के साथ कहते हैं कि फ्रेंड ये बनाते होंगे लेकिन ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन जब किसी के साथ अगर ट्रस्ट उनको लगता होगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है और यह बहुत अच्छी है, तो उन पे पूरी तरह ये ट्रस्ट करते होंगे, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स आया है तो फीमेल का भी ऐसा ही पर्सनालिटी होगा, ठीक है ना, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं हस्बैंड के लिए, तो उनकी भी ऐसी ही पर्सनालिटी होगी, ठीक है, आप पूरी तरह से उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो अथॉरिटेटिव होंगे, ठीक है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो मुझे करियर में ऐसा लग रहा है कि वो किसी ब्यूटी प्रोफेशन में से हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट या उनका खुद का कोई ब्यूटी पार्लर हो, अगर कोई यहाँ पे फीमेल देख रही है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप भी किसी ऐसे ही प्रोफेशन से है, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो या ब्यूटी प्रोफेशन से हो, या स्पा ओनर हो, ठीक है, इस तरह की आपकी, हो सकता है आप मेकअप की जो प्रोडक्ट्स है वो बनाते हो, वैसा आपका कोई इंडस्ट्री हो या उससे डील करते हो, या आपके फ्यूचर पार्टनर उनसे डील करते होंगे, या फिर मुझे लग रहा है क्रिएटिव जॉब्स में भी हो सकते हैं, सिंगर, म्यूज़िक, पेंटर, इस तरह के, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्कर भी हो सकते हैं, हो सकता है लोगों को योगा मेडिटेशन और भगवान से रिलेटेड गाइड करते हो, ठीक है ना, स्पिरिचुअल फील्ड में किसी तरह की हीलर हो सकते हैं, तरह के हो सकता है डॉक्टर हो, ठीक है, हाईली चांसेस है कि वो किसी फील्ड में डॉक्टर होंगे, ठीक है ना, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन, और जहाँ भी होंगे, जिस भी करियर में होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा उनका वहाँ पे सम्मान होता होगा, हाई पोजीशन पे होंगे और हाईली टैलेंटेड भी होंगे, ठीक है, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है, जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो वो आपको हल्के में नहीं लेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट की तरह देखेंगे, और जितनी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना आपको लेके, उन सब को पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आप पहले किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं थे तो आपको लगेगा कि ऐसा रिलेशनशिप तो मेरे लाइफ में आया ही नहीं, मैंने जिसके लिए वेट किया वो मेरे लिए, अभी क्या कहते हैं, बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, वैसा आपको फील होगा, ठीक है। ये आगे चल के अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये पर्सन आगे चल के गुड मदर और गुड वाइफ साबित होगी, और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो आगे चल के ये गुड फादर और गुड हस्बैंड दिखेंगे, ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहेंगे। ये जो एस ऑफ कप्स और टू ऑफ कप्स आए आपके रीडिंग में, ये बताती है कि आपके पार्टनर
टू ऑफ कप्स टोटली बताती है कि आपके पार्टनर इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते होंगे, और आपकी जो पेयरिंग होगी मतलब आपकी जो जोड़ी बनेगी उसे देख के सब लोग हैरान रहेंगे कि इतनी अच्छी जोड़ी कैसे है, कहेंगे लोग कि भगवान ने ऐसी जोड़ी मिलाई है। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल ऐसा लगेगा एक दूसरे के लिए बने हो, और आपको भी हमेशा फील होगा कि मैंने जो सब्र किया इंतज़ार किया उसका फल मुझे मिला है कि मुझे इतने अच्छे पार्टनर मिले हैं। ठीक है, आपके पार्टनर लव के साथ साथ रिस्पेक्ट करना जानते होंगे। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी क्वालिटीज़ को, और उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई होगी वो इसी तरह से हुई होगी कि वो लोगों को रिस्पेक्ट करना बहुत जानते होंगे। ठीक है ना, आपसे भी रिस्पेक्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपको नीचा दिखा रहे हैं। ठीक है, वो आपको बिल्कुल अपने बराबर समझेंगे, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, वो भले ही बहुत हाई पोजीशन पे होंगे लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे, भले आप हाउसवाइफ हो या फिर आप मेल भी है, तो अगर आप उनसे कम भी काम करते होंगे तो आपको नीचा नहीं दिखाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, और आपके लिए जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम और भी कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, मैं देखने में मैं बताऊं तो जो मेल पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो अपने हस्बैंड के लिए, तो उनकी लुक्स हाईली मैस्कुलिन होगी। ठीक है ना, वो टॉल होंगे, देखने में उनका बिल्ड बहुत स्ट्रांग होगा, और कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी हीरो की तरह दिखते होंगे। ठीक है ना, उनके हेयर कलर की मैं बात करूँ तो ब्लॉन्ड हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि ब्लैक नहीं, हल्का ब्राउनिश टाइप का हो उनका हेयर कलर हो सकता है। ठीक है ना, आईज ब्लैक, ब्लू या फिर ग्रीन कलर की हो सकती है, गोरे होंगे, और कुछ यहाँ पे फीमेल वो गोरी भी हो सकती हैं और उनकी व्हाइटिश स्किन भी होगी। अगर मैं यहाँ पे फीमेल के लिए बात करूँ, अगर आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ी सी चबी होंगी। ठीक है ना, सॉफ्ट उनका बॉडी होगा और बहुत क्यूट होंगी दिखने में। और अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो मैं बता दूं, वो बहुत ज़्यादा टॉल होंगे, हाईली मैस्कुलिन होंगे, और उनका बिल्ड जो है वो मीडियम होगा, बहुत मोटे भी नहीं होंगे, पतले भी नहीं होंगे, बहुत स्मार्ट बॉडी फिगर होगा। ठीक है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए हम आपके लिए और भी कार्ड्स देखते हैं। फीमेल पार्टनर देख रही हूँ या मेल पार्टनर, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो आप
आपको अपने लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उससे बाहर निकालने वाले हैं और आपके लिए गाइड की तरह काम करने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस किसी तरह के काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, मेंटर हो सकते हैं या स्पिरिचुअल वर्क में हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं पर जाए अपने लिए गाइडेंस लेने के लिए या स्पिरिचुअल काम के लिए जाए, तो आप उनसे मिले और वो आपको गाइड करे और आपको हेल्प करे आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके कोच की तरह, और वही आपके लिए आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम चीट से देखते हैं आपके लाइफ पार्टनर के लिए और भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीट्स को मैं सफल करके नेम इनिशियल्स निकाल लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी एंड हेल्प मी। ये नेम इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर के भी हो सकते हैं, कंट्री नेम, सिटी नेम भी हो सकते हैं जिसमें वो रहते होंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी हो सकते हैं। तो चलिए हम सफल करके देखते हैं। प्लीज एंजल्स गाइड मी एंड हेल्प। बी हो सकता है, बी से आपका नाम हो या फिर आपके पार्टनर का नाम होगा, ठीक है, एनीथिंग बबीता, बॉबी या जो भी नाम बनता हो बी से वो। एल से, ठीक है, लवली या जो भी एल से नाम बनता होगा। और कार्ड्स देखते हैं हम। एन से, ठीक है, ये एन है, आई थिंक आपको दिख रहा हो या लाइट में नहीं दिख रहा, मे बी एन है ये, ओके। यू, ठीक है, यहाँ पे ब्लू बन रहा है, बी एल एंड यू, ई मिसिंग है फिर भी हम इसे ब्लू रीड कर सकते हैं। तो हो सकता है आपके फ्यूचर पार्टनर के आई ब्लू हो, ठीक है। और एक कर्स लेते हैं टी, ठीक है, तो टी से नेम हो सकता है तरुण, तान्या या जो भी टी से नेम बनता हो। अब मुझे देखें और बताएं कमेंट सेक्शन में कि और क्या नेम बन रहे थे। तो नेम इनिशियल्स आए हैं बी यू एल एन टी, ठीक है। चलिए हम इम्पोर्टेंट मंथ्स देखते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, या फिर आप इस मंथ में मिलेंगे या शादी होगी आपकी, ओके। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। जनवरी, मैंने पहले भी बोला था वन इम्पोर्टेंट है, टू इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये। फेब्रुअरी, ओ माई गॉड, मुझे लग रहा है कि आप लोग जनवरी, हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी में हो, आपके पार्टनर का फरवरी में हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे मिल भी सकते हैं इस मंथ में। वन मोर कार्ड, अक्टूबर, अप्रैल, ठीक है। चलिए कुछ हम पर्सनालिटी ट्रेट्स देख लेते हैं। लेट मी शफल। प्लीज एंजल्स गाइड कैन हेल्प मी, व्हाट विल बी द पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ पाइल वन फ्यूचर पार्टनर। ओके, प्रैक्टिकल, ओके, आपके पार्टनर का थिंकिंग प्रैक्टिकल होगा। हेल्पफुल, मैंने कहा था वो किंग टाइप के नेचर के होंगे, लोगों की मदद करना उन्हें पसंद होगा। ड्रीमी, बहुत ज़्यादा ड्रीमी होंगे, मैंने कहा इमोशनल होंगे, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सपने देखते होंगे, आपको भी लेके बहुत ज़्यादा सपने देखेंगे जब आप उनके लाइफ में जब जाओगे। पोलाइट, बहुत ज़्यादा पोलाइट होंगे नेचर में, मैंने पहले कहा था कि वो सबकी रिस्पेक्ट करना जानते होंगे, पोलाइट भी होंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लेवर, चलाक होंगे, उन्हें कोई ठग नहीं सकता है। तो पाइल वन, मुझे आपके फ्यूचर पार्टनर में यही सारे चीज़ मैसेजेस आ रहे थे, मैं आपको गाइडेंस दे दूँ जो मैंने बताया था कि मैं आपको दूँगी वीडियो के अंत में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ रहें, ठीक है ना, पूरे लाइफ में आप पॉजिटिविटी का नज़रिया रखें, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेकर सैड ना हो, और कोई बुरी भी चीज़ हो रही है तो वहाँ पे ये सोचे कि गॉड ने आगे मेरे लिए अच्छी चीज़ें प्लान करके रखी है, ठीक है। और अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, मुझे ये भी मैसेज आ रही है कि आपकी किसी पार्टनर के साथ लड़ाई हो गई है, तो उन्हें माफ़ कर दे, ठीक है ना, फॉरगिवनेस आपके लिए आया है। तो आप जिनके साथ भी आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उन्हें फॉरगिव करें, आप जब माफ़ करेंगे उनको तो आप खुद हल्का महसूस करेंगे, ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और ये पॉजिटिविटी और भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, यानी आपकी लाइफ में जितनी आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा और भी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज मुझे आ रही थी, ये गाइडेंस है आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स,
आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मुझे कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ब्लू कलर की स्केच पेन चूज़ की है, ये उनकी रीडिंग है। तो मैं बता दूँ, आप मेल फीमेल किसी भी जेंडर के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज और थर्ड मैरिज के लिए भी आप देख सकते हैं, ये टाइम स्पेसिफिक नहीं है, कभी भी देख सकते हैं इसे। और ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करती है उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो मैसेज आपसे रेजोनेट करती है वो डेफिनेटली आपके लिए ही है। तो चलिए हम रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए कार्ड्स को हम सफल करते हैं। मैंने हैंडमेड चिट्स भी बनाई है उस तरह से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होने वाले हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी सो दैट आई कैन गेट प्रॉपर कार्ड्स हु विल बी द फ्यूचर स्पाउस ऑफ पाइल नंबर 2। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। One more time, please angels help me and guide me. Okay, 1, 2. Cards flip karte hain. The High Priestess. Okay, the High Priestess. 2 of Swords. And then we have 5 of Swords, ओके? तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, तो पाइल नंबर 2, मैं आपके कार्ड्स देख के जोडियक साइन की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा या कैंसर। हो सकता है कि आप भी इन जोडियक साइन में हो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा और कैंसेरियन। ठीक है, पाइल नंबर 2, मुझे लग रहा है आपके कार्ड्स को देख के कि आप लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो बहुत दिनों से सिंगल हैं। ठीक है ना, और अपने लाइफ पार्टनर का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे तो सबसे पहले आपकी फ्रेंडशिप होगी। ठीक है ना, उसके बाद आप डेट करेंगे और फिर एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसी हो जाएगी कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अभी पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं इस बात को लेके कि कब आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप था तो वो बहुत पहले था और उसके बाद आपका कोई रिलेशनशिप नहीं बना है। इस बात को लेकर आप बहुत चिंतित हो रहे हैं, मुझे ये कार्ड्स में नज़र आ रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही है किसी बात को लेके। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट में बताएं, पर मैं आपको बता दूं कि मुझे आपकी सिचुएशन ऐसी ही लग रही है। आप मेल हो, फीमेल हो, आप जो भी हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अभी, वो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके दिमाग में घमासान युद्ध चल रही है। ठीक है ना, आप किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हो। ठीक है, आपको हो सकता है किसी को अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ रही है, किसी फ्रेंड को या फिर किसी पार्टनर के साथ, जो आपके अभी करंट पार्टनर चल रहे हैं उनके साथ आपका बहुत ही सीरियस कन्फ्लिक्ट हो गया है, किसी तरह की बहुत सीरियस लड़ाई हो चुकी है और आप टेंशन में हो कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, आपको वहाँ पे लग रहा है कि मैं कैसे अपनी लॉयल्टी प्रूफ करूँ। ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने बिजनेस को लेके, या फिर किसी भी आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो अभी अपने लाइफ में इस तरह की कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है। ठीक है ना, बहुत कन्फ्यूज्ड है वो अभी अपने सिचुएशन को लेके, कि मुझे हो सकता है उनके पास कोई ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में हो और उन्हें वो छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन वो कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, उनको लग रहा है कि वो चीटिंग कर रही है लेकिन वो अभी श्योर नहीं है, उनके दिमाग में उथल पुथल चल रही है। मुझे आपके साथ भी ऐसे ही एनर्जी लग रही है कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। ठीक है ना, और अभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हो, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, आपकी सिचुएशन बहुत अभी नेगेटिव चल रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हो, टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं किसी बात को लेके, या आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हैं। ठीक है ना, मुझे ऐसी आपकी करेंट सिचुएशन लग रही है। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो, आपके पैसे लेके चला गया हो, कोई फ्रेंड हो या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे वो, या किसी ने आपको चीट किया है अभी।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर आपके साथ अभी चीटिंग कर रहे हों और इस बात का आपको पता चल गया हो, जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में हैं। सही है? अगर मैं आपके पार्टनर की पर्सनालिटी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर होने वाले हैं मेल या फीमेल, वो क्योंकि हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है जिसको देख के मुझे पता चल रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने वाले हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की होगी। हो सकता है वो टीचर हो या प्रोफेसर हो। यहाँ पे 2-2 आया है 2 बार, तो हो सकता है आपको 2-2 बहुत ज़्यादा नज़र आता होगा। ठीक है, और आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा शांत शांत रहते होंगे, ठीक है ना। मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, अपने राज जल्दी किसी को नहीं बताते होंगे। ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो भी आपको उनसे कोई बात जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। वो अपनी बात को जल्दी से शेयर नहीं करते होंगे किसी चीज़ को, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है कि वो किसी लीगल अफेयर्स में फंसे हुए हो, किसी केस में, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। आप पे किसी तरह का वर्क प्लेस पे किसी काम में आपके ऊपर में किसी तरह का आरोप लगा हो या लीगल मैटर्स में आप फंसे हुए हो। अगर आपके साथ ऐसी एनर्जी नहीं है तो आपके पार्टनर के साथ ऐसी होगी एनर्जी कि वो अभी किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं। वो बहुत डिवाइन होंगे, भगवान में बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है ना। और उन्हें भगवान गाइड भी करते होंगे, भगवान ईश्वर अल्लाह जिनमें भी वो मानते हो वो उन पर बहुत भरोसा करते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे, ठीक है ना। पावरफुल इन द सेंस कि उनकी पर्सनालिटी बहुत पावरफुल होगी और बहुत इंट्यूटिव होंगे। आप उनके सामने बैठे हैं और आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं उनको पता चल जाएगा, ऐसी उनकी ऑरा होगी, ठीक है ना। उनकी ऐसी एनर्जी होगी। मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन होंगे, टीचर हो सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं। हो सकता है वो लाइब्रेरी में काम करते होंगे, या फिर हो सकते चर्च में नन हो, ठीक है। या फिर हिस्टोरियन हो सकते हैं, हिस्ट्री की जो खोजबीन करते हैं लोग वो हो सकते हैं, या साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं अपने प्रोफेशन में, या फिर लीगल अफेयर्स कोई लॉयर या एडवोकेट हो सकते हैं, ठीक है। या मैरिज कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने वाले हो सकते हैं। हो सकता है कि वो जो हम कहते हैं ना मैरिज काउंसलर, शादी विवाह में जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उसका वो काउंसलिंग करते होंगे लोगों का। या फिर आदमी के जॉब में हो सकते हैं, या किसी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए 2-22-5 ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका मंथ फरवरी में आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है, या फिर मई में, या फिर 22 आपकी एज हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की एज हो सकती है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो पाइल 2, मुझे आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड लग रही है, लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपके लिए कुछ और भी कार्ड्स निकाल के आपकी मैसेजेस को देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, हु विल बी देयर लाइफ पार्टनर, प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी। कि आपके साथ बहुत बड़ा अभी धोखा हुआ है, या आपके पैसे चोरी हो गए हैं, या आपको कोई लीगल मैटर में फंसा दिया गया है, या फिर आप
पे ऐसा इल्ज़ाम लगा है कि आप धोखेबाज है, ठीक है, आपके कार्ड्स को ऐसा दिख के मुझे लग रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की है, उनके साथ उनके किसी बिजनेस पार्टनर ने, किसी फ्रेंड ने या उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, ठीक है, और उन्हें ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है। और सेवेंथ चक्र आर्केंजल यूरियल कार्ड्स आए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा डिवाइन होंगे, दिल के बहुत बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत सीधे साधे होंगे, जिसके वजह से उन्हें फंसा दिया गया है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पार्टनर और आपके लिए, मैं दोनों को बता रही हूं, अगर जिनके साथ ये सिचुएशन है, अगर आपके साथ, तो आपके लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर होने वाले हैं, आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। आप, मैंने पहले ही बताया कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपके पहले फ्रेंड बनेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम को जानेंगे और आपको गाइड करेंगे कि कैसे बाहर निकलना है, ठीक है। और अगर नहीं, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन है और आप उनकी हेल्प करने के लिए उनकी लाइफ में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं, ठीक है। गॉड आपको इसीलिए मिलाएंगे और तब जाके आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि आप लोग दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। मैंने पहले भी कहा, आप लोग डेट करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। और इस वजह से आप लोग एक बंधन में बंधेंगे, आपकी शादी होगी और आपकी हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। आपके कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है, करेंटली आपकी सिचुएशन डेसीट वाली है, आपको किसी ने धोखा दिया है, आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, आप एंजाइटी में हो, या फिर आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा लीगल मैटर्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। आप उनकी हेल्प करोगे किसी ना किसी तरह से और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे और आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी, हैप्पी फैमिली होगी, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तो चलिए हम और भी चिट्स से मैसेजेस निकालते हैं। सबसे पहले हम नेम इनिशियल्स देखेंगे आपके पार्टनर के। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी सो दैट आई कैन गेट करेक्ट मैसेजेस। फर्स्ट इज एन, अनदर इज एम। ये नेम इनिशियल आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, या फिर आपके कंट्री नेम, स्टेट नेम हो सकते हैं। ओ, ए, आई, जे। तो नेम इनिशियल्स आए हैं एन, एम, ओ, ए, आई एंड जे, ठीक है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ पे आपके लिए नो, एन एंड ओ आया है, तो मुझे लग रहा है नो, ठीक है ना। आपको एंजल शायद ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी को नो बोलना चाह रहे हो किसी भी चीज़ के लिए और आप डर रहे हैं बोलने से, तो आप उनको ना बोल दे, आपके लिए वो भला होगा, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन से देख लीजिए कि क्या आपको किसी को अभी ना बोलने की ज़रूरत है, तो आप उन्हें ना बोलें, ठीक है। ऐसी मुझे गाइडेंस आ रही है। एंड देन हम आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ्स देखते हैं। लेट मी शफल द कार्ड्स। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। मई, मैंने पहले भी बताया था आपके कार्ड्स में आए थे फिफ्थ मंथ, तो मई हो सकता है इम्पोर्टेंट आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। देन वी हैव नवंबर। वन मोर टाइम। दिसंबर। एंड जून, ठीक है। इस चीट से हम आपके लाइफ पार्टनर की ट्रेड्स देखेंगे, उनके नेचर देखेंगे, उनके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी हु विल बी देयर फ्यूचर लाइफ पार्टनर। ओके, हम्बल, आपके लाइफ पार्टनर हम्बल होंगे नेचर के, लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते होंगे, आपको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, हम्बल नेचर होंगे। मॉडर्न, उनके नेचर मॉडर्न होंगे, मॉडर्न ख्यालात के होंगे। वी हैव ओपननेस, ठीक है ना, खुले विचार के होंगे। वन मिनट, लेट मी शफल फॉर वन मोर टाइम। नेचर लवर, नेचर पसंद करते होंगे, पेड़ पौधे, जानवर, पालतू जानवर ऐसा पसंद आता होगा उनको, या फिर आप भी नेचर लवर हो सकते हैं, खुले में रहना पसंद करते होंगे। नेचर लवर भी आया है और ओपननेस भी आया है,
तो हो सकता है कि आप लोग किसी ओपन जगह पे, किसी पार्क में, किसी गार्डन में, माउंटेन के पास मिलें। आप लोग दोनों नेचर लवर होंगे और इसी तरह की जगह पे मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेट मी सफल फॉर वन मोर टाइम फर्न, ठीक है। तो किसी फर्म से रिलेटेड होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर अपनी बातों को लेके वो बहुत फर्म रहते होंगे, अड़े रहते होंगे, अडिग, अपने बात पे अड़े रहने वाले होंगे। एक और कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं आपके लिए, अम्यूजिंग, बहुत इंटरटेनिंग होंगे, ठीक है, उनका नेचर इंटरटेनिंग होगा। तो पाइल नंबर टू, मुझे ऐसी आपके लिए मैसेजेस आई है। मैं गाइडेंस के थ्रू आपको बता दूं कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलेंगे, जब आपको रियलाइज़ हो जाएगा ये पर्सन मेरे लिए मेरे लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूं कि आप उनकी हेल्प करें, उनकी मन की बात को समझें और उन्हें उनकी प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प करें, ठीक है। मुझे ये आपके लिए गाइडेंस लग रही है। तो बेस्ट ऑफ लक पाइल नंबर टू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। बाय फ्रेंड्स एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये ऑरेंज कलर की स्केच पेन सेलेक्ट की है, ये उनकी रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो तो उसके लिए टेंशन ना ले, जो रेजोनेट होती है उसे रखे, बाकी सबको जाने दे, ठीक है। साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप जो भी किसी भी जेंडर के हो आप इसे देख सकते हैं। टाइम स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी टाइम पे इसे देख रहे हैं तभी के लिए वैलिड है। तो चलिए हम आपके लिए कार्ड सफल करके आपके लिए मैसेजेस निकालते हैं। तो प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी सो दैट आई कैन गेट प्रॉपर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर थ्री एंड हेल्प देम। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। हु विल बी द लाइफ पार्टनर ऑफ पाइल नंबर थ्री? One more time, please angels help me and guide me. Okay. Cards flip करके मैं आपको दिखाती हूँ। पहला is the death card. Then we have page of swords. And then we have the star card. It's very very nice card. I can't say anything more. तो चलिए हम देखते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर कौन होने वाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर थ्री, मुझे आपके कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपके पार्टनर के जोड़ियक साइन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। मुझे एक्वेरियस बहुत ज़्यादा लग रहा है, हो सकता है आप दोनों ही एक्वेरियस हो, ठीक है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो, मुझे ऐसे जोड़ियक साइन लग रहे हैं आपके पार्टनर के, आपके भी हो सकते हैं। मैं और आपको बता दूं तो इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकता है 13, 17, 54, 9, 4, 6, 7 और 1, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं, हो सकता है आप इस तारीख को मिले या फिर आप इस डेट को आपकी शादी होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी किसी न किसी सिचुएशन से उनकी एंडिंग हो रही है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हो सकता है कि वो अपने किसी करियर को चेंज कर रहे हों, एक करियर को छोड़ के दूसरे करियर में जा रहे हों या जाने की सोच रहे हों, या फिर हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई एक्स पार्टनर हो जो कि टॉक्सिक था, उन्हें वो छोड़ के आगे बढ़ रहे हों, ठीक है। तो किसी न किसी तरह की उनके लाइफ के सिचुएशन में एंडिंग हो रही है, ठीक है ना। डेथ का मतलब फिजिकल डेथ नहीं, बट किसी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके साथ भी हो, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हो, किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव पैटर्न चलती थी या थिंकिंग चलती थी, इसी तरह कि आप सोच विचार में रहते थे टेंशन में, तो आप उसको जाने दें। तो उसके बाद आपके पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है ना। आप दोनों की ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों किसी सिचुएशन को एंड करके एक दूसरे से मिलेंगे। हो सकता है कि आपका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ हो या किसी तरह की पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, ठीक है ना। वो एंड हो जाएगी तब आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है। सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत
अच्छे कम्युनिकेशन के स्किल होंगे, यानी कि वो बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, ठीक है। तो जब आप उनसे मिलेंगे तो आपसे भी बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत करेंगे, ठीक है। बहुत यूथफुल होंगे, बहुत एक्साइटेड रहते होंगे, ठीक है ना। बातचीत करना, दूसरे लोगों के बारे में जानना, किसी टॉपिक के बारे में जानना, उनके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगी, आप किसी भी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो वो पूरे एक्साइटमेंट और एनर्जी के साथ फिलअप रहते होंगे और बहुत देखने में यूथफुल होंगे, बहुत कम एज के दिखते होंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जब वो आपके लाइफ में आएंगे तो आपके लाइफ में भी एक्साइटमेंट लेके आएंगे, पॉजिटिविटी लेके आएंगे, ठीक है। और बहुत ही वो दूसरों को भी इंस्पायर करते रहते होंगे, ठीक है ना। और उनकी जो अप्रोच होगी वो ह्यूमैनिटेरियन होगी, यानी कि वो लोगों को, आम लोगों को या किसी भी तरह के इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, ठीक है ना। कह सकते हैं ह्यूमन लविंग पर्सन होंगे, ठीक है। ये बहुत डिसिप्लिन में रहते होंगे, इन्हें डिसिप्लिन में रहना, अच्छे सलीके से बैठना, बोलना चलना काफ़ी पसंद होगा, ठीक है। इनको देख के लगेगा कि इनका जो ढंग है, शैली है, बहुत ही अच्छी है, ठीक है। और उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि आपके लिए 10 स्टार आया है, तो किसी तरह के स्पॉटलाइट में रहते होंगे, ठीक है ना। मतलब फेमस हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं। साथ ही साथ वो बहुत हीलिंग होंगे, हीलिंग कहने का मतलब उनसे जो भी बात करता होगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम लिख के उनके पास जाते होंगे तो वो उसे उसका सोल्यूशन देते होंगे। लगता होगा जब आप उनसे बात करेंगे तो कि मेरे पूरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैं हील्ड हो गया, ठीक है ना, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल गया। वो लोगों को नई पावर देते होंगे, हो सकता है कि वो कोई स्टार स्पीकर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, ठीक है, इंटरनेट पे, टीवी में, या फिर कोई और भी सेलिब्रिटी, या फिर कोई फेमस पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा स्पीच देते होंगे, ठीक है ना। तो यू आर वेरी लकी कि आपको ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं, ठीक है। आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, ठीक है ना। आपको यूनिवर्स बहुत अच्छी ब्लेसिंग देने वाली है, स्टार कार्ड ये बता रहा है, जो कि आपके पार्टनर की तरह आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जेनरस होंगे, बातचीत बहुत प्यार से करते होंगे लोगों से। मैंने पहले ही बताया उनका बात करने का ढंग, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है ना। पूरे एनर्जी से भरे रहते होंगे, लोग उनको देख के इंस्पायर होते होंगे, उनके जैसा बनना चाहते होंगे, इसलिए वो स्पॉटलाइट में होंगे, ठीक है ना। हो सकता है वो इंटरनेट पे, यूट्यूब में, या फिर कोई फिल्म में, या किसी न किसी तरह से वो फेमस जरूर होंगे, मुझे ये लग रहा है। लुक्स की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ कि वो देखने में यूथफुल होंगे, यूथफुल इन द सेंस कि अपने एज से कम दिखते होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देखने में भी यूथफुल होंगे, मतलब उनके चारों तरफ आप बैठेंगे, बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि आप एनर्जी से फिल्ड हो गए हैं, ठीक है। बहुत एक्साइटेड रहते होंगे और बहुत उनका बात करने का ढंग, बोलने चालने का तरीका, और बहुत ही हम्बल होंगे नेचर में वाइज, और बहुत इंस्पायर करते होंगे अपनी बातों से, ठीक है। उनकी हेयर ब्लैक हो सकती है, उनकी आई कलर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू हो सकती है, या फिर आपकी ऐसी होगी। स्किन कलर गोरी होगी, ठीक है ना, और वो पतले दुबले होंगे, और उनका बिल्ड बहुत ही अच्छा होगा, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी, देखने में मेल या फीमेल, लड़के या लड़की जिनके लिए देख रहे हैं वो बहुत सुंदर होंगे, ठीक है ना। और हम हो सकता है लोग उनकी पर्सनालिटी से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते होंगे, ठीक है। और वो फेमस हो सकते हैं इन द सेंस किसी ऐप पे, टिकटॉक इस तरह के ऐप पे भी फेमस हो सकते हैं, या फिर रियल लाइफ में भी फेमस हो सकते हैं, लाइक कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम करियर की बात करें तो मैंने जैसे कहा कि वो किसी तरह की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई फिल्म में काम किया हो ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर किसी कम्युनिकेशन जॉब में होंगे, या आईटी में भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आर्मी में भी हो सकते हैं, या फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में वो काम करते होंगे, ठीक है। मुझे ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन दिख रहे हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के, ठीक है। आप दोनों की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी। आपने अपने लाइफ में जैसे पार्टनर को एक्सपेक्ट किया हो, जिसके लिए आप रोज़ मिन्नतें मांगते हो, प्रार्थना करते हो भगवान से, आपको बिल्कुल वैसे ही पार्टनर मिलने वाले हैं। 10 स्टार कार्ड का मतलब होता है कि यूनिवर्स आपको आपकी मन्नत पूरी कर रही है, ठीक है ना। आपने जो भी सपना देखा है अपने पार्टनर को लेके, वो पूरी की पूरी जस्ट वो फुलफिल होने वाली है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा देखने में अच्छे होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, आपके सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, और आपने जो भी सपने देखे हैं वो सभी कुछ पूरे होंगे आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूं
कि आप लोग अभी किसी हार्ट ब्रेक सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा ब्लेसिंग यूनिवर्स भेज रही है आपके लिए। मैं और कुछ मैसेजेस देखती हूँ, इस कार्ड को सफल करते हैं हम और देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर पाइल नंबर 3, हु विल बी देयर फ्यूचर पार्टनर, हाउ विल बी देयर फ्यूचर पार्टनर, प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। Now let me take out the cards. Okay. First card is the garden and the gate. Another is strategy. And then we have a woman holding a coin. Okay? मैं आपके cards की meaning आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो पहला हो सकता है कि आपके लिए 30, 21, 42 इम्पॉर्टेंट नंबर्स हो। एक मिनट, कार्ड्स। तो हो सकता है आपके लिए 30, 21, 42 इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है? और साथ ही साथ आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द गार्डन एंड द गेट, तो मुझे ये लग रहा है कि आप अभी किसी तरह की, हो सकता है अपने आप को बंद करके रह रहे हो, ठीक है ना? बंद करके रहने का सेंस है कि आप इस कार्ड में देख रहे हैं कि एक लड़की है, गेट में बंद है, वो बाहर जाना चाहती है। तो हो सकता है आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो कि आप किसी सिचुएशन को, वो नेगेटिविटी को रिलीज करके पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं और जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या तो आप किसी नेगेटिव पैटर्न से, कोई चीज़ की आपको नेगेटिव थिंकिंग रहती है दिमाग में, तो उसको रिलीज कर दें, ठीक है? और हिम्मत के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि मेरी कोशिश नाकाम हो रही है पॉजिटिव रहने में, तो प्लीज़ आप योगा मेडिटेशन की ओर जाए और आपको ऐसा हेल्प होगा, आप अपने स्ट्रेस को वहाँ से रिलीज कर पाएंगे। मेडिटेशन इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिलीजिंग स्ट्रेस, ठीक है? स्ट्रैटर्जी, स्ट्रैटर्जी का मतलब ये है कि अभी आपके लिए ऐसा समय चल रहा है कि आपको अपने लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने चाहिए। आप कुछ प्लान करें, हो सकता है आपके करियर को लेके आप अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, तो उस चीज को रिलीज कर दे और स्ट्रैटर्जी बनाए अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? मैन होल्डिंग अ क्वाइन, ठीक है? इससे मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं, आपके लाइफ में हर तरह से प्रॉस्पेरिटी लाने वाले हैं, ठीक है ना? अगर आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन, जो आपकी अगर ख़राब चल रही है, पैसे की दिक्कत हो या फिर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? आपको हर तरह से फुलफिल करेंगे, ठीक है? उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, ठीक है? आपके कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है। तो पाइल वन, आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें, तो आपकी लाइफ में पूरी तरह से पॉजिटिविटी आने वाली है। तो चलिए हैंडमेड चिट से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखते हैं। ये मंथ आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं, आपके पार्टनर में इस मंथ में आप उनके हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, अक्टूबर, फेब्रुअरी, ओके, दो कार्ड एक साथ आए, जनवरी एंड देन अगस्त। ओके, हो सकता है आप लोग इस मंथ में मिले या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हो। देन हम कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स देख लेते हैं आपके पार्टनर्स के। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके, स्वीट, ओके, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्वीट होंगे नेचर वाइज, वो बहुत अच्छे होंगे। और हम देखते हैं ड्रीमी, सपने बहुत ज्यादा देखते होंगे, ठीक है? आपको भी सपने देखना सिखाएंगे, आपके हो सकता है आपके बारे में भी सपना देखते होंगे। डायनेमिक, उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डायनेमिक होगी, यानी कि वो हर तरह के काम को करते होंगे, ठीक है? और इस चीज़ को देख के लोग बहुत इंस्पायर होते होंगे। टू कार्ड्स, ओपननेस, वो बहुत खुलापन उनका विचार होगा, ठीक है? फॉर्म, किसी बात को लेके कभी कभी अड़ जाते होंगे, ठीक है? सम मोर कार्ड्स, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी।
एनिमल लवर हो सकता है, उनके पास कोई एनिमल हो, ठीक है, एनिमल लवर होंगे। एक और कार्ड लेते हैं, चाइल्डलेस। कभी कभी वो, मैंने कहा था, बहुत ज़्यादा यूथफुल होंगे, ठीक है, चाइल्डलेस नेचर होगा, ठीक है उनका। कभी कभी वो बच्चों की तरह हरकत करते होंगे, खेलते कूदते होंगे। आप उनके पास रहेंगे तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम नेम इनिशियल्स देखते हैं, इसे सफल करके हम नेम इनिशियल्स निकालते हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हो सकता है आपका नेम या उनका नेम इससे स्टार्ट होता होगा, कंट्री नेम, सिटी नेम भी हो सकता है जहाँ पे वो अभी रह रहे हैं। ओके, डब्लू, वाई, वी, विशाल, विकास, इस तरह से उनका नेम हो। ए, एम, वन मोर कार्ड, के। तो नेम इनिशियल्स आए हैं के, डब्ल्यू, वाई, वी, ए, एम। ये आपके नेम इनिशियल्स में हो सकते हैं या उनके नेम इनिशियल होंगे। तो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। आपके फ्यूचर पार्टनर सच में बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए थे। आई होप कि आपको ये मैसेजेस पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट किए, ठीक है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही पसंद आता है, तो मेरे लिए कमेंट ज़रूर छोड़ें। मुझे बताएं कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की, कितनी रीडिंग रेजोनेट की, ठीक है। और मैं आपको विश करती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छे पार्टनर आपकी लाइफ में जल्दी ही आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय एंड देन बेस्ट ऑफ लक।